हेलो हेलो नमस्ते जी। देखो खुद की तारीफ हम ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। सरकैज़म सरकैज़म कि कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा जी का ठुल्लू है। सर थैंक यू, मजा आया ना? एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, आ गया हूँ हफ्ते भर का हाल चाल और बवाल लेकर। शुरू कर रहा हूँ फनतंत्र वीकली की दुकान। अगर आपने अब तक अंगूठा नहीं लगाया हमारे चैनल पे, बोले तो अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई। करवा चौथ बीत चुका है, पुरुष अपनी औकात में और महिलाएं अपने फॉर्म में वापस आ चुकी हैं। इस बात का हमारे एपिसोड से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसे हमारी तरफ से वैवाहिक चेतावनी समझकर रख लीजिए और शुरू करिए क्रिकेट से। सितंबर में जब हम पाकिस्तान से हारकर एशिया कप से बाहर हुए थे, तब लगा था कि क्या जिंदगी है बेन स्टोक्स। पहले तो वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे और अब एशिया कप भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, एक महीने के अंदर हमें ये कहने का मौका मिल गया कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। झूलन गोस्वामी के बाद एक नए युग की शुरुआत कर रही हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एशिया कप नहीं जीता है भाई साहब, डंका बजाया है डंका। श्रीलंका वालों को लगा होगा कि 2 महीने में दूसरा एशिया कप जीत जाएंगे, लेकिन जब हम उनके हिट गाने मनी के मगे हिते इसको नहीं छोड़ा और उसका भी रिमिक्स बना दिया, तो फिर इनकी टीम को कैसे छोड़ देते, बताओ? बोलो बोलो, टेल टेल। कल हुए फाइनल में हमने श्रीलंका की वही हालत करी जो कुछ महीने पहले राष्ट्रपति राजपक्षे ने उनकी इकोनॉमी की कर दी थी खत्म। पहले हमने उन्हें 65 रन पर रोका और फिर नंबर 18 की जर्सी पहनने वाली स्मृति मंदाना ने नंबर 7 जर्सी वाला काम किया और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर 7वीं बार टीम इंडिया को एशिया कप का चैंपियन बना दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में हमारे लड़के भी हमको छाती चौड़ी करने का मौका जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने घरों में डाका पड़ने के बारे में तो सुना ही होगा, ऑफिस में और दुकानों में भी डाका पड़ने के बारे में सुना होगा, लेकिन एक जबरदस्त जबरदस्त डाका पड़ा है। ये डाका पड़ा है फेसबुक पर और कई लोगों की जिंदगी भर की सोशल मीडिया की कमाई लुट गई, बर्बाद हो गई, लाइफ खराब हो गया है। हुआ ये कि अचानक से कई लोगों के फेसबुक फॉलोअर्स कम हो गए, मिलियंस के फॉलोअर्स वालों के फॉलोअर्स थाउजेंड्स में आ गए। मतलब कल तक जो लाखों में एक थे वो रातों रात हजारों में एक हो गए। लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स पर डाका पड़ गया है। मतलब शेयर मार्केट में लाखों का नुकसान हो जाए तो भी इतना रोना पिटना नहीं मचता जितना फेसबुक फॉलोअर्स के नुकसान पर मच गया। कुल मिलाकर माहौल पूरा फिल्मी बन गया था। कोई लिख रहा था हाय मैं लुट गया बर्बाद हो गया, तो कोई किसी से पूछ रहा था कितने आदमी थे। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि मेरे फॉलोअर्स जरूर आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। कई लोग तो सीधा मार्क जकरबर्ग पर गुस्सा निकालने चले गए। वहां पहुंचे तो पता चला कि भाई साहब खुद ही लुटे हुए बैठे हैं। 119 मिलियन फॉलोअर्स वाले मार्क भैया के भी 9900 फॉलोअर्स ही बचे। अब जब डॉक्टर साहब की भी वही हालत थी जो बीमारों की थी, तो भाई लोग खाली हाथ ही वापस लौट आएंगे ना। बाद में पता चला कि वो कोई बग था जिसकी वजह से ये सब कांड हो गया। कुछ घंटों बाद जब फॉलोअर्स वापस आए तो लोगों की जान में जान वापस आई। चलो वापस तो आए, वरना जितना नेता को अपने वोटर्स खोने का दुख नहीं होता उतना ही मेटा पर अपने फॉलोअर्स खोने का लोगों को हो रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क के बारे में बात करते हैं। वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है। उन्होंने पब्लिक से अपील करी है कि उनके परफ्यूम को जरूर लें ताकि इन पैसों से वो ट्विटर खरीद सके। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है। ट्विटर खरीदने के प्रोसेस में जितना गंध मचा है उसके बाद तो सुगंध आनी जरूरी भी थी, परफ्यूम आना जरूरी भी था। इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चूंकि उनके नाम में मस्क है तो उन्हें परफ्यूम का बिजनेस करने के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। ये बढ़िया था गुरु। ऐसे थोड़ी ना होता है मस्क भैया, ऐसे तो बिल गेट्स साहब को विंडोज की जगह गेट्स बेचना चाहिए, टेलीकॉम जायंट कार्लोस स्लिम को पतले होने की दवा बेचनी चाहिए, वॉरेन बफेट को क्या बुफे लंच और बुफे डिनर बेचना चाहिए। इस हिसाब से तो हमारा एक ठो दोस्त है अहमद जमीर, आप जानते हैं उसे क्या बेचना पड़ जाएगा? बात करते हो कौन है ये लोग? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शेक्सपियर साहब ने कहा था, वरना मस्क भैया के अकॉर्डिंग तो शेक्सपियर साहब को तो नाशपाती का शेक बेचना चाहिए था ना। वैसे इलॉन मस्क साहब ने परफ्यूम का जो ब्रांड लॉन्च किया उसका नाम है बर्नट हेयर। मतलब अजीब सा नाम, जले हुए बालों की स्मेल किसको अच्छी लगती होगी भैया? मस्क ब्रो को क्या ही फर्क पड़ता है, जलने वाले जलते रहेंगे, मस्क भैया चलते रहेंगे। नहीं आगे बढ़ते हैं, आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात की एक एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने कहा है कि पराठों पर 18% जीएसटी लगेगी। अपील करने वाली कंपनियों की दलील थी कि पराठा और रोटी एक जैसी चीजें हैं, इसलिए इन दोनों पर बराबर जीएसटी होना चाहिए, लेकिन अथॉरिटी ने कहा है कि रोटी और पराठा अलग अलग चीजें हैं और इसलिए दोनों पर अलग अलग जीएसटी हो सकती है। यह सुनकर किचन के ऊपर वाले कैबिनेट में पड़े रिफाइंड की बोतल ने नीचे के कैबिनेट में पड़े आटे के कनस्तर की तरफ हाथ बढ़ाकर उस पर नॉक किया और बोला सुनो ए
मैं तुम्हें स्टार बना सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम दोनों अगर एक दूसरे से मिल जाएं तो हमारी कीमत कितनी बढ़ सकती है ये अंदाजा तुम्हें नहीं है। उधर आटे का कनस्तर भी यही सोच रहा है कि 2 हफ्ते पहले तो भैया मैं लीटर में बिक रहा है, अब कम से कम GST के साथ बिकूंगा तो रिफाइंड से दोस्ती करने में क्या अर्ज है। मतलब ये GST का मैथमेटिक्स भी बहुत ही अलग है भैया। रिफाइंड की अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें कुछ पर 5% GST है तो कुछ पे 12%, लेकिन पराठे पर 18%, मतलब 5% प्लस 5% भी 18% और 5% प्लस 12% भी 18%। बहुत है कंफ्यूजन है भैया। वैसे एक तो बात बताइए, अगर हम पराठे के तेल को टिश्यू पेपर से ड्रेन करके खाते हैं तो GST कुछ कम नहीं हो जाएगा क्या? हेलो, चलिए एक और सवाल है हमारे मन में कि तंदूरी पराठे पर कौन सी GST लगेगी, रोटी वाली या पराठे वाली? क्योंकि अगर बिना तेल के बना रहे हैं तो रोटी वाली लगनी चाहिए, लेकिन नाम पराठा है तो पराठे वाली लगनी चाहिए। है कि नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? आगे चलते हैं, बिहार की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में NEET UG 2022 की काउंसलिंग शुरू हो गई। इसके जरिए मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेडिकल और BDS जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए गाइडेंस दी जाएगी। इस बात को लेकर बिहार के मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि मेडिकल एस्पिरेंट्स अकेले नहीं है जिनके बीच खुशी की लहर दौड़ी है, बिहार के बेवड़ा एसोसिएशन ने भी इसका एक स्वागत किया है। मेरे को मजा आ गया। जब किसी ने पूछा कि इस बात से आप लोग क्यों खुश हो रहे हो तो एसोसिएशन के एक नेता ने बताया कि भैया बिहार में नीट शुरू हो गया, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। फिर किसी ने उनको बोला, एक्सक्यूज मी नेताजी, ये वो वाली नीट नहीं है बल्कि NEET नीट परीक्षा की बात चल रही है। तो भाई ने जवाब दिया, अरे नीट के लिए तो हम कैसी भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, बताओ कब और कहाँ देनी है परीक्षा। वैसे भी 6 सालों से बर्दाश्त की परीक्षा तो दे ही रहे हैं। चलिए भैया चलते हैं, यहां से निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको सुनाते हैं तो वो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, बोले तो शब्दों का चमत्कार, बोले तो कविता, पंक्तियां, ये लाइनें सुनिएगा, मजा आए तो 4 और लोगों को मजा दीजिएगा, बोले तो इसको दबा के शेयर करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कौन सा पार्ट बहुत है ज्यादा बढ़िया लगा, स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टा पे टैग करके जरूर बताइएगा, हमारा इंस्टा हैंडल पता ना आपको। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहली लाइन है कि रख लेना मेरा मान प्रिय, कहीं निकल ना जाए जान प्रिय, मत FB के फॉलोअर सी, हो जाना अंतर ध्यान प्रिय। अरे तुम हो T20 कप जैसी, पर कुछ भी नहीं कर सकता हूं, बुमराह सा घायल मैं बस दूर से देखा करता हूं। अरे दुनिया की तरह GST का मत मुझको पाठ पढ़ा देना, मत मेरे यार पराठे सा तुम अपना भाव बढ़ा लेना, अरे सदियों से प्यार मैं करता हूं, मत करना इस पर प्रश्न कभी, चाहो तो कार्बन डेटिंग से कर लो इसको कंफर्म अभी। और आखिरी दो लाइनें की तुम हो गुजरात की सीट प्रिय, है बजी ईंट से ईंट प्रिय, मत समझो इसको तुम बुखार, ये है चुनाव का प्रिय। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी कविता या पूरा वीडियो कमेंट करके हमें बताइएगा, पसंद आया हो तो और भी 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, हमारे चैनल पर अंगूठा जरूर लगाइएगा, बोले तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ना अपना नाम और लोकेशन लिखना मत भूलना, हमको बहुत मजा आता कमेंट पढ़ के कि भैया आप यहां से देख रहे हैं, अच्छा आपका नाम ये है और आप देख रहे हैं, बढ़िया लगेगा हमको अगर आप कमेंट करोगे और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाओगे और इसे जरूर लाइक करोगे, चैनल भी सब्सक्राइब करना और एक बार बता रहे हैं। बाकी जल्दी से मिलते हैं आपसे एक और कड़क वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।